मंत्रोच्चारणों शंखनाद के बीच मंगलवार को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गीता मनीषी स्वामी आनंद, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, हिमाचल के स्पीकर राजीव बिंदल समेत अनेक गणमान्य मौजूद रहे। हरियाणवी एवं अन्य प्रदेशों के परंपरागत वाद्य यंत्रों के बीच गणमान्य व्यक्तियों का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद मंत्रोच्चारण के बीच ब्रह्म सरोवर पर पूजन किया गया और पूर्ण आहुति डालकर यज्ञ का समापन किया गया। यह महोत्सव कुरुक्षेत्र में 3 से 8 दिसंबर तक चलेगा। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और इस तरह के जो भी फेस्टिवल होते हैं या आयोजन होते हैं उसमें अपने राज्यों की एक झलक दिखाने का अवसर मिलता है। इस बार उत्तराखंड को भी, जो हमारा क्राफ्ट है, जो हमारी कल्चर है, उसको यहाँ पर शोकेस करने का मौका हरियाणा सरकार ने दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने यहाँ पर उत्तराखंड को अवसर दिया। हरियाणा के लोग और जो यहाँ पर इंटरनेशनल फेस्टिवल है उन लोगों को उत्तराखंड जानने का मौका मिलेगा। सब ये वो दरा जहाँ पर गीता का उपदेश हुआ, युद्ध की भूमि है तो कुछ अलग से उत्तराखंड ये भूमि युद्ध की भी है, शांति की भी है, सद्भाव की भी है। तमाम प्रेरणा कुरुक्षेत्र से मिलती है। कहते हैं कि हर जो पतन है उसमें उत्थान के बीज निहित होते हैं और यहाँ पर भी उत्थान के बीज हैं। सेमिनार के बाद